लकी मरवत में डीएसपी हेडक्वार्टर्स की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। फायरिंग से डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले में दो पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद और जख्मी एहलकार तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरंग मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में ईद तक तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म कर दिए गए। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा कि इफ्तारी के बाद से रात तक लिफ्ट की गई तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल शहरी बगैर जुर्माना दिए चौकियों से लेकर जा सकते हैं। शहरी नो पार्किंग और ऐसी जगहों पर गाड़ियां या मोटरसाइकिल पार्क न करें। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी गैर जरूरी चालान करने से रोका गया। सऊदी अरब में रमजान मुबारक की 27वीं शब मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाजिर। लाखों की तादाद में उमराए जायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में कयामुल लैल और नवाफिल की अदायगी की गई। मस्जिद अल अक्सा में 27वीं शब पर मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। नमाज के बाद शहरियों ने मस्जिद अल अक्सा और गजा के हक में नारेबाजी की। गजा में जंगबंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। फवाद चौधरी को डेला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी डेला जेल से रिहाई के बाद अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। फवाद चौधरी की दो रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम था। फवाद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। कातिल दौर के दौरे कहां जा मिलते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों में पेच पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तहकीकात से पता चला कि कातिल धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है, ऑनलाइन बिक रही है। यह नहीं हो सकता कि आप बॉर्डर्स पे चेक पोस्टें बना दें लेकिन स्मगलर्स और दहशतगर्दों के लिए बाकी रास्ते और कॉरिडोर्स खुले हों। पंजाब के सरहदी इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बनाएंगे। मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्दअमल। कहा, मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रखी है? पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रखी है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का सबूत है। आप सुबह में नफरत फैला रखी है, शायद आपका मकसद यही है। बयान सोच समझ कर दें, हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं आती। वजीर इत्तला'आत पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर जवाब। कहा, सूबाइत का कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। मरियम नवाज ने धाती डोर की निशानदही की। यह निशानदही इल्जाम बराए इल्जाम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। पतंगबाजी के बायस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जानें अजीज हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जानें अजीज नहीं। जजों को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला थम न सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मजीद जजेस को लिखे खत भी सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस को लिखे खतूत की कुल तादाद 10 हो चुकी। तमाम खतूत इकट्ठे करके सीटीटी के हवाले कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। तमाम खत एक ही तारीख को आए, कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसू। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खत मौसूल हो चुके। सीटीटी ने 1 अप्रैल को मिलने वाले खतूत का मुकदमा 3 अप्रैल को दर्ज किया था। जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत में जहरीला आर्सेनिक पाया गया। फ्रांसिक रिपोर्ट में इंकशाफ, खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मकदार 10% पाई गई। जराए के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की 70% से जायद मकदार बहुत जहरीली होती है। सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। सीटीटी ने सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के लेटर बॉक्सेस के करीब की सीसीटीवी वीडियो भी हासिल कर ली। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नाजरा के जरिए शनाख्त जारी। सिक्योरिटी और तहकीकाती इदारों का तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जाँच पड़ताल की हिदायत। खत को मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद पोस्ट करने की इजाजत होगी। फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया। हाई कोर्ट जजेस के खत पर सुमोटो केस। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई।
पाकिस्तान बार कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब, ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचा दिखाने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मामले पर करारदाद मंजूर कर ली। एलामिया में कहा कि सुमोटो केस का भी जल्द फैसला किया जाए। हाई कोर्ट जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जजेस मामले के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाए। अमरीकी खत के बाद फोन कॉल आ गई। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कॉल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हमनसब को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का अहम दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में तआवुन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल तआवुन के मुंतज़िर हैं। अस्करी हुकाम से वज़ीर आला केपी और काबीना की मीटिंग। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पिशावर में महज अफ्तारी का अहतमाम किया गया, काबीना का बाजाबता अजलास नहीं हुआ। 11 कोर में अफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। कोर कमांडर की दावत अफ्तार पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने पार्टी उमूर चलाने के लिए पहले पैक्स कमेटी और अब 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी का ऐलान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत पर किया गया। सियासी कमेटी तमाम फैसले करेगी और कोर कमेटी को आगाह करेगी। सियासी कमेटी में उमर अयूब और बैरिस्टर गौर अली खान, सैनेटर शिबली फराज को शामिल किया गया। सियासी कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर, असद कैसर और शेर अफजल मरवत भी कमेटी का हिस्सा है। सियासी कमेटी तमाम फैसले करेगी और कोर कमेटी को आगाह करेगी। मुल्क नाजिक सूरत हाल से गुजर रहा, अगर सियासी मुफाहमत हो जाए तो ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अवाम चाहते हैं हम इनके मसाइल का हल निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। अपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए, इनको वोट पड़ा है। अपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अपोजिशन को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पार्लियामेंट में जाती दुश्मनी और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मिलकर हम नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी काम कर सकते हैं। हुकूमत अभी कायम हुई है, कारकर्दगी कैसी है यह कहना कबल इस वक्त है। एमएनए हमजा शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हर पाकिस्तानी चाहता है मईशत अपने पांव पर खड़ी हो। मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेगी। मईशत के लिए सियासी इस्तेकाम नागुजीर है। दहशतगर्दी के वाकयात पर तशवीश है। दुश्मन के खराब ख्वाब चकनाचूर होंगे। सरहदों पर जवानों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। कौम जीतेगी और दहशतगर्दी हारेगी। चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब पर कई दिनों से जारी कशीदगी में कमी आने लगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा का सीनियर ब्यूरोक्रेट शकील कादर खान को सूबे का चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। शकील कादर खान की तकरीरी वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की रजामंदी से मशरूत। शकील कादर खान इस वक्त चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के तौर पर तैनात हैं। ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला। पंजाब में 21 अप्रैल को कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पंजाब में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी की खाली सीट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। मखसूस सीटों पर हल्क न लेने पर अपोजिशन का वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के सामने एहतजाज। एहतजाज का ऐलान जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। पीपल्स पार्टी नून लीग और जेयूआई के मखसूस और अकलीती सीटों पर मुंतखब अराकीन असेंबली ने हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने कहा कि हमारे साथ ज्यादा ज्यादती हो रखी है, आइन को नहीं माना जा रहा। सूबाई हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करके मखसूस सीटों पर मुंतखब अराकीन से हल्क लें। मुजाहरीन ने मुतालबा किया, कहा 25 मुंतखब एमपीएस को अपने हक से महरूम रखा गया। हमारे हलके मुतासर हो रहे, हम अपने हक के हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। सूबाई हुकूमत हठधर्मी का शिकार है, अदालती अहकाम की भी तामील नहीं कर रही।
9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी सरगोधा की खसूसी अदालत में पेश हुए। 25 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश होने की हिदायत। मियांवाली पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। उमर अयूब को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट सहाफियों को FIA नोटिसेज और हिरासा करने का केस। RIUJ की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। केस मई के दूसरे हफ्ते में साबिका बेंच के सामने ही मुकर्रर किया जाए। वीडियोकर समी इब्राहिम का नाम ECL से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला से 1 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी दाखिला वजूहत बताएं, समी इब्राहिम का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला। मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचने पर अदालत ने 50,000 रुपये मचलकों के एवज काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुतलका SHO को सेक्रेटरी दाखिला को पेश करने की हिदायत जारी की गई। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जिले सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का हंगामी इजलास। 274 अरब कैश क्रेडिट की मंजूरी दी गई। पास को 14 लाख टन गंदम खरीदेगा। सिंध के लिए 4,000 रुपये फी मन खरीदारी की मंजूरी। सिंध के लिए 10 लाख टन गैस क्रेडिट की भी मंजूरी। बलोचिस्तान के लिए गंदम 4,300 रुपये फी मन की मंजूरी दी गई। पास्को के लिए 3,900 रुपये फी मन खरीदारी की मंजूरी। सिंध के लिए 100 अरब रुपये के कैश क्रेडिट की मंजूरी दे दी गई है। मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं, ना ही कोई लालच है। ग्रैंड अलायंस पर मैं ऑन बोर्ड नहीं हूं। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि चेयरमैन के बयान के बाद किसी और की बात की अहमियत नहीं रहती। फोकल पर्सन की इनको मुबारकबाद मेरी दिलचस्पी ही नहीं। कुछ लोग बानी PTI के पास गए कि इनका नाम निकाल दें। मुझे अब अफसोस होता है कि फोकल पर्सन लगा क्यों हूं। फोकल पर्सन ना होता तो यह ड्रामा ही शुरू ना होता। मेरा नाम किसी कमेटी में हो या ना हो, मेरा काम मानी रखता है। वज़ीर-ए-आला KP की गैर मजाज अफराद के जरिए इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। महकमा एक्साइज की इस्तेदादकार को बढ़ाने के लिए 3 अलग डायरेक्ट्रेट्स कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में अली अमीन कंडापुर ने कहा कि एक्साइज के वेयर हाउस में खड़ी नाकारा गाड़ियों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाए। सियासी सिफारिश पर किसी को ये गाड़ियाँ ना दी जाएँ। किराए पर लगे घरों पर कमर्शियल टैक्सेस वसूल करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की भी हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्सेस की वसूली और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए GIS सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। हुकूमत के वफाकी सरकारी अस्पताल PIMS की OPD शाम में भी खोलने की हिदायत। PIMS हॉस्पिटल ने तमाम शोबाजात से शाम की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली। PIMS हॉस्पिटल की OPD 15 अप्रैल से दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत भी होगी। मुलाकात के दौरान रिकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। चेयरमैन PCB का क्या बदले, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कप्तान बदल गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इख्तलाफात की खबरें एक मरतबा फिर से जुबाने ज़द-ए-आम। साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ ने बाबर आजम से कप्तानी लेकर शाहीन शाफरीदी को सौंपी तो मौजूदा चेयरमैन ने टीम की क़यादत एक मरतबा फिर से बाबर आजम को सौंप दी। बाबर आजम को वनडे और T20 की कप्तानी सौंपे जाने पर शाहीन शाफरीदी नाराज। चेयरमैन PCB ने काकुल अकेडमी जाकर मनाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शाहीन शाफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी ने हंगामा बपा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से कबल PCB में उखाड़ पिछाड़ और टीम में इख्तलाफात के बाद मेगा इवेंट में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी हैरान कुन न होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत में पे दर पे तब्दीलियां। साबिक क्रिकेटर्स भी बोल पड़े। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि शाहीन शाफरीदी को कौमी टीम और लाहौर कलंदर्स की कप्तानी से मना किया था। शाहीन को अपनी क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। साबिक कप्तान और कोच मिसबाह उल हक बोले, कप्तान को तब्दील करने का तरीका पहले भी गलत था और अब भी गलत है। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी दोनों ही स्टार क्रिकेटर्स हैं।
कौमी टीम के कोच के हवाले से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, वक्त कम मुकाबला सख्त, बच्चों की फरमाइशें बढ़ने लगी। वालिदैन का बाजारों की जानिब रुख, बाजारों की रौनकें बहाल। किसी को कपड़े लेने हैं तो कोई अच्छे जूतों की तलाश में है। खवातीन कपड़ों के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी के लिए भी ख्वाहिशमंद।